और रणवीर मुसलाना हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में मुसलाना गांव में सुभाष गांगुली का बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम किया था। उनसे जानेंगे आज वो रैली में आए हैं, किस तरह का यहाँ पर रहने वाला है। तो पहले स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। रणवीर जी, क्या लगता है, क्या मायने रहने वाले हैं इस रैली के? अब देखिए, ये रैली आज भाई सुभाष गांगुली को यहाँ विधायक बना करके जाएगी, विधायक बना करके जाएगी। क्या लगता है कि ग्राफ उनका बड़ा है या अभी रुका हुआ है? जहाँ से वो शुरू हुए थे, कुछ पायदान पर चढ़े हैं, वहाँ रुक गए हैं या दिन ब दिन बढ़ रहा है? ऐसा है, उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वो हमने पता था, हम गांव में जाते थे, हमने माहौल का पता था, उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता था। लेकिन आज सफेदो हल्का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और वो ये संदेश जाएगा कि सुभाष गांगुली यहाँ से विधायक बन चुके हैं। कहा जाता है लाइन पार सुभाष गांगुली जी मजबूत थे और लाइन के इस पार रणवीर भुसलाना साथ में आए हैं तो मजबूती मिली है, कितनी सच्चाई है इस बात में? रणवीर भुसलाना अकेला नहीं, रणवीर भुसलाना के साथ पूरी लाइन खड़ी है। आप जाकर के देखिए, भुसलाना से जो सफेदो रोड आता है, डिडवाड़ा से जो सफेदो रोड आता है, दोनों रोड जाम है और वहाँ से हजारों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों में लोग बैठ करके मोटरसाइकिल के काफिले के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ आ रहे हैं। वो पंडाल उन्हीं लोगों से भर जाएगा। भुसलाना और डिडवाड़ा लोग यही भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।